We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार प्रबोध सक्सेना ने आज हवाई मार्ग से किन्नौर पहुंचकर शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने 450 मेगावाट क्षमता के शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना के निर्माण गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली और इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को जुलाई 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर उन्होंने शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना के बैरेज साइट, डी सेंडर साइट, हेडरेस टनल, सर्ज शॉफ्ट साइट और परियोजना के पावर हाउस साइट का भी दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा, राज्य में चल रहे जल विद्युत परियोजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंद्र नेगी की रिपोर्ट।